चित्रकूट भारत के नक्शे पे एक ऐसी जगह जहां श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में से 11.5 साल बिताए थे और चित्रकूट के दर्शन करना मानो भारत के सबसे बड़े तीर्थ के दर्शन करने के बराबर है। यही वो जगह है जहां माता अनुसुईया ने तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश जी को एक नवजात शिशु में बदल दिया था और यही वो जगह है जहां तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए थे। तो चित्रकूट धाम के दर्शन करना तो बनता है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चित्रकूट धाम के दर्शन कैसे किए जाए, यहां पे कैसे पहुंचा जाए, यहां के होटल्स या फिर धर्मशाला कैसे बुक किए जाएं, यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं घूमने के लिए, यहाँ पे खाने के लिए कौन सी अच्छी जगहें हैं और इन सब के अलावा और कौन कौन सी दूसरी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चित्रकूट के आसपास की घूमने की जगहें भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और इसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। तो सबसे पहले बात करते हैं चित्रकूट पहुंचने की। चित्रकूट पहुंचने के और बहुत सारे तरीके हैं, आप यहां तीनों तरीके से आ सकते हैं, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या फिर बाय बस। अगर आपको फ्लाइट से चित्रकूट आना है तो आप फ्लाइट लेंगे बमरौली एयरपोर्ट जो कि पड़ता है प्रयागराज में और वहां से 1 से 1.5 घंटे की आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी चित्रकूट तक के लिए, या फिर आप प्रयागराज से चित्रकूट की बस भी ले सकते हैं जिसका किराया आपको पड़ेगा लगभग 200 रुपए। अगर आप ट्रेन से चित्रकूट आना चाहते हैं तो आप उतरेंगे चित्रकूट धाम कारवी में जिसका रेलवे स्टेशन कोड है CKTD। ये स्टेशन आपको चित्रकूट सिटी तक पहुंचा देगा और वहां से आप ऑटो रिक्शा या फिर बैटरी कार करके पहुंच सकते हैं अपने मन चाहे मंदिर। आप बस से भी चित्रकूट आ सकते हैं। चित्रकूट के लिए बस आपको सभी बड़े शहरों से मिल जाएगी जैसे मिर्जापुर, बांदे, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, राजापुर और दिल्ली, और बाय रोड अपने प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी से तो आप चित्रकूट आ ही सकते हैं। अब बात करते हैं चित्रकूट में होटल्स की। चित्रकूट में आपको 1 स्टार से लेकर 3 स्टार तक के होटल्स मिल जाएंगे और यहाँ आपको कई तरीके की धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। चित्रकूट में एक एवरेज धर्मशाला का प्राइस होता है 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक और यहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे 800 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक। मेन चित्रकूट में घाट के पास आपको ज्यादातर धर्मशालाएं ही मिलेंगी। अगर आपको चित्रकूट में अच्छे होटल लेने हैं तो वो आपको मिल सकते हैं चित्रकूट के रेलवे स्टेशन या फिर चित्रकूट के बस स्टॉप के पास। तो अब बात करते हैं चित्रकूट की अट्रैक्शंस की। हमने इस वीडियो में चित्रकूट की 6 अट्रैक्शंस दिखा रखी हैं, जिसमें सबसे पहले है रामघाट, फिर है हनुमान धारा, फिर है स्फटिक शिला, फिर सती अनुसुईया माता का मंदिर, गुप्त गोदावरी और कामतगिरी पर्वत। और अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं तो हमने गूगल मैप में इन जगहों की लिस्ट बना के इनकी लोकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी है ताकि अगर आप चित्रकूट घूमने जाएं तो आपको ये जगह ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उस लिस्ट में आपको इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रामघाट से। चित्रकूट की सबसे प्रसिद्ध जगह है रामघाट। रामघाट घाट है मंदाकिनी नदी का, जहाँ पे चारों तरफ आपको सबसे ज्यादा श्रद्धालु दिखेंगे। इसी घाट के किनारे तुलसीदास जी श्री राम जी के लिए चंदन घिस रहे थे। रामघाट ही वो जगह है जहाँ मंदाकिनी नदी के चारों तरफ आपको हनुमान जी, अनुसुईया माता, भरत जी, तुलसीदास जी और शिव जी के मंदिर मिलेंगे। रामघाट आने की कोई फीस नहीं है लेकिन यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं जिसका किराया आपको तकरीबन पड़ेगा 100 से 200 रुपए। रामघाट 24 घंटे खुला होता है लेकिन यहाँ आने का सबसे सही समय है सुबह 5 से 8 बजे तक या फिर शाम को आरती के समय जो कि होती है 7:30 बजे। उसके बाद है सती अनुसुईया माता का मंदिर। चित्रकूट में यही वो एक जगह है जहाँ पर आपको भक्ति और शांति दोनों एक साथ मिलेंगे। माता अनुसुईया के आश्रम के सामने से ही मंदाकिनी नदी जाती है जहाँ पे स्नान करके माता के दर्शन करने की मान्यता है, इसीलिए माता अनुसुईया का यह आश्रम बहुत ही पूजनीय है। इस आश्रम में जाने की कोई फीस नहीं है और यह आश्रम 24 घंटे खुला होता है लेकिन इस आश्रम में जाने का सबसे सही समय है प्रातः काल या फिर शाम को। हमारा ये सजेशन रहेगा कि माता अनुसुईया आश्रम आप रेनी सीजन में ना जाएं क्योंकि उस समय मंदाकिनी रिवर बहुत उफान पे होती है और बाढ़ आने का खतरा होता है। अब अगला है हनुमान धारा। हनुमान धारा चित्रकूट की पहाड़ियों पर बसा हुआ एक हनुमान जी का मंदिर है जहां पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और ये माना जाता है कि ये वही जगह है जहां हनुमान जी ने लंका दहन के बाद आकर अपनी पूंछ की अग्नि को शांत किया था। हनुमान धारा में जाने की कोई फीस नहीं है लेकिन हनुमान धारा आप रोपवे के जरिए भी जा सकते हैं जिसमें आने और जाने की आपको टिकट पड़ेगी 120 रुपए की। हनुमान धारा सुबह 5 बजे से दोपहर को 12 बजे तक खुला होता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खुला होता है लेकिन यहाँ जाने का सबसे सही समय है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। हालांकि उस समय रोपवे सर्विस नहीं खुली होती, वो खुलती है सुबह 10 बजे से। और फिर है कामतानाथ पर्वत। एक समय पहले अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए सारा राजपाट त्याग कर एक पर्वत पे 11 साल बिताने वाले का नाम है प्रभु श्री राम। यह माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने कामतनाथ पर्वत पर अपने वनवास के 11 साल बिताए थे, इसलिए इस पर्वत के नाम पे एक दोहा बहुत मशहूर है, चित्रकूट चिंता हरण कामतगिरी सुखधाम धन्य धन्य अधारणी पवन जिसका नाम। श्री कामतनाथ मंदिर की एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है
और यह 24 घंटे खुला होता है। और यहाँ आने का सबसे सही समय है सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में ये जगह बहुत गर्म होती है और ये परिक्रमा करना और ज्यादा कठिन हो जाता है। फिर है गुप्त गोदावरी, गंगा गुप्त गोदावरी, बसंत जा सुरसीत, सेवा प्रेम प्रतीत सो प्रकट मिले नवनीत। रामघाट से 18 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी की गुफा पड़ती है। गुप्त गोदावरी में जाने की फीस है 20 रुपए और यह गुफा खुली होती है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि यहाँ आप रेनी सीजन में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे रेनी सीजन में गुफा में बाढ़ आने का खतरा होता है। फिर आता है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला मंदाकिनी नदी के बगल में बसी हुई एक शिला है, जहाँ पर माना जाता है कि आज भी राम जी और सीता जी के पद चिन्ह मौजूद है। स्फटिक शिला में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं, ये 24 घंटे खुला होता है। स्फटिक शिला घूमने के लिए आपको आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ आ सकते हैं। अब बात करते हैं चित्रकूट में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सबसे पहले है राम घाट पे बोटिंग। भाई राम घाट पे बोट से पूरा घुमाते हैं, बोटिंग में आप बोट पे बैठ जाओ और वो आपको वहीं से भरत मंदिर, तुलसी जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर करा के पूरा घुमा के वापस लेकर आते हैं। लेकिन बोट के पास जाओगे, अंटिशंट नाम बोलते हैं बोट वाले भाई, बिल्कुल भी उनके पास बात मत मानना। 100 से 150 रुपए पर हेड, मतलब एक सवारी का 100 से 150 रुपए में आपका आप वही चक्कर पूरा राउंड आप कटवा सकते हो, मतलब ये एक ओके प्राइस है। अभी हमने पूरी बोट हायर करने की बात करी तो उन्होंने बोला 1200 रुपए लगेंगे, 1250। बार्गेनिंग कर करके हम 5 जने हैं तो 500 रुपए में मान गया भाई। फिर आता है रोप वे सर्विस, जो आप कर सकते हैं हनुमान धारा पे। हनुमान धारा की रोप वे सर्विस सुबह 10 बजे खुलती है, जिसमें आने और जाने का टिकट होता है 120 रुपए का। इस रोप वे सर्विस से नजारे बहुत ही सुंदर हैं और इस रोप वे सर्विस के द्वारा आप हनुमान धारा बहुत ही जल्द कर सकते हैं। अगर आप रोप वे सर्विस नहीं लेते तो हनुमान धारा में आपको तकरीबन 750 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। ये भी चित्रकूट की एक फेमस एक्टिविटी है जो कि आप कर सकते हैं। अगला है मंकी फीडिंग। अगर आप चित्रकूट आ रहे हैं और आप सती अनुसुईया और गुप्त गोदावरी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको काफी घने जंगल पड़ेंगे, जहां पर आप बंदरों को खाना खिला सकते हैं। इन जगहों पर बंदरों को खाना खिलाना बहुत ही पूजनीय माना जाता है। अलग अलग जगह आपको बंदरों को खाना खिलाने के लिए केले वाले और फल वाले दिखेंगे। यह एक्टिविटी करने में भी एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। चित्रकूट की अगली एक्टिविटी है मंदाकिनी नदी में स्नान करना। स्फटिक शिला और राम घाट पे आप मंदाकिनी नदी पे स्नान कर सकते हैं। लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करने आते हैं प्रातःकाल सूर्य नमस्कार के लिए, या फिर शाम को 7:30 बजे जब होती है यहाँ की आरती। मंदाकिनी नदी में स्नान करना भी बहुत पूजनीय माना गया है। अब बात करते हैं चित्रकूट में खाने पीने की कौन से सबसे अच्छी जगहें हैं। इनमें सबसे पहले आता है अशोक रेस्टोरेंट, जो कि पड़ता है रामघाट के पास, और यहाँ से थोड़ी ही दूर पड़ता है जयपुरिया स्मृति भवन। इस जगह की दाल मखनी और नान लोगों को बहुत पसंद आती है। तो बांदे में जाके हमें बांदे बावर्ची रेस्टोरेंट मिला था, एंड जैसा इसका हमने नाम सर्च किया था, बिल्कुल जस्टिस किया इन्होंने अपने फूड के टेस्ट के साथ। हमने यहाँ पे पनीर लबाबदार मंगाया, पनीर दो प्याजा मंगाया, बहुत ज़बरदस्त मतलब खाना था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और हम आलू नान के साथ खाते हैं, बिल्कुल बनियों वाला खाना, और बनियों वाले खाने के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट था। सुबह मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, हमने 5 जनों ने खाना खाया तो 1100-1200 रुपये हमने खा लिया। अगर आप आ रहे हैं दिल्ली से चित्रकूट बाय रोड, तो यहाँ पर बांदे पहुँचेंगे, जब आप बांदे से ज़रूर गुजरेंगे तो बांदे जब पहुँचेंगे तो आप बांदे वापसी में खा सकते हैं, अब रुक के खा सकते हैं, ना महंगा है ज्यादा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया। अब आखिर में बात करते हैं कि चित्रकूट के आसपास कौन सी ऐसी जगहें हैं जो आप घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले पड़ता है प्रयागराज, जहां पे त्रिवेणी संगम का स्नान हो सकता है। फिर है कानपुर, जहाँ के 5-स्टार होटल बहुत मशहूर है। फिर है मिर्जापुर, जहाँ पे श्री विद्यावासिनी मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। फिर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल और सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी, और इसी के साथ साथ वाराणसी, काशी के धाम। तो ये थी हमारी चित्रकूट की शॉर्ट ट्रेवल गाइड। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। और अगर आप चित्रकूट की पूरी ट्रैवल गाइड चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें आपको इंडिया के अलग अलग शहरों की पूरी ट्रैवल गाइड मिलेगी। और हमारी इस सीरीज की बाकी वीडियोस भी देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको हमारे कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो का कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि हनुमान धारा में रोप वे सर्विस के चार्जेस कितने हैं। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते।